नयारा एनर्जी भारत के नए जमाने की एनर्जी और पेट्रोकेमिकल्स कंपनी है, जिसका व्यापार रिफाइनिंग से लेकर रिटेल तक पूरे भारत में फैला है। हम भारत की दूसरी सबसे बड़ी सिंगल साइट अत्याधुनिक रिफाइनरी का संचालन एवं प्रबंधन करते हैं। हमें गर्व है कि हम देश के सबसे तेजी से बढ़ती प्राइवेट फ्यूल रिटेल नेटवर्क्स में से एक हैं। स्वागत है आपका नयारा एनर्जी रिफाइनरी कॉम्प्लेक्स वाडीनार गुजरात में, एक ऐसी जगह जहां हमारे कर्मचारियों, ठेकेदारों, विजिटर्स, समुदायों एवं पर्यावरण की सुरक्षा हमारी पहली प्राथमिकता है और उन्हें रिफाइनरी के अंदर सुरक्षित महसूस कराना हमारा मकसद है। हमने सुरक्षा प्रक्रियाओं की एक श्रृंखला निर्धारित की है जो रिफाइनरी के अंदर हमारे सभी कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों की सुरक्षा सुनिश्चित करता है। सबसे पहले हम आपको कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों के लिए प्रवेश एवं निकास प्रक्रिया दिखाएंगे। आइए देखते हैं रिफाइनरी में प्रवेश की जांच प्रक्रिया। किसी भी उद्देश्य से रिफाइनरी के परिसर में प्रवेश करते समय गेट पर मौजूद सिक्योरिटी स्टाफ द्वारा बताए गए जांच निर्देशों का पालन करें। आपको आपके कार्य के अनुसार गेट पास जारी किया जाएगा। रिफाइनरी में प्रवेश और निकास के लिए जरूरी है कि आपके पास वैध गेट पास हो। गेट पास एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है जो परिसर में किसी भी अनाधिकृत और अवांछित व्यक्ति तथा वाहन के संचालन का नियंत्रण करता है। साथ ही ये किसी भी कार्य क्षेत्र में आने जाने वाले विजिटर्स या कॉन्ट्रैक्ट पर काम करने वाले कर्मचारियों की गतिविधियों को एक विशिष्ट क्षेत्र तक सीमित करता है। रिफाइनरी द्वारा जारी किए जाने वाले गेट पास मुख्यतः चार प्रकार के होते हैं। OSBL यानी आउटसाइड बैटरी लिमिट गेट पास, जो किसी व्यक्ति को प्लांट एरिया से बाहर के क्षेत्र तक जाने की अनुमति प्रदान करता है। ISBL यानी इनसाइड बैटरी लिमिट गेट पास, जो किसी भी व्यक्ति को प्लांट एरिया के अंदर तक जाने की अनुमति देता है। शटडाउन गेट पास के जरिए कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारी केवल शटडाउन के उद्देश्य से एक सीमित समय सीमा के अंदर ही प्लांट में प्रवेश और निकास कर सकता है। टाउनशिप गेट पास धारक को सिर्फ टाउनशिप एरिया के भीतर ही प्रवेश की इजाजत देता है। प्रवेश द्वार पर कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारी को टर्न स्टाइल सुरक्षा प्रणाली से होकर गुजरना पड़ता है, जो सिर्फ अधिकृत प्रवेश की ही अनुमति देता है। यहाँ व्यक्ति अपने बायोमेट्रिक के जरिए प्रवेश कर सकता है। आगे कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारी अपना सामान बैगेज स्कैनर में रखता है और फिर डोर फ्रेम मेटल डिटेक्टर से गुजरकर अपने सामान को मशीन की दूसरी तरफ से उठा लेता है। गेट पास की वैधता की पुष्टि करने के बाद और प्रवेश से पहले ये सुनिश्चित करें कि आपके पास कोई ज्वलनशील वस्तु जैसे माचिस, लाइटर या हथियार जैसी कोई चीज न हो। इन सामग्रियों को रिफाइनरी के अंदर ले जाने पर सख्त पाबंदी है। हर कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारी की तलाशी होती है। ध्यान रहे, अगर किसी के पास कोई संदेहजनक वस्तु मिलती है तो उसके खिलाफ उचित कार्रवाई की जाएगी। याद रखिए, किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर प्रवेश या निकास करना कंपनी नियम के अधीन दंडनीय अपराध है। रिफाइनरी में मोबाइल लाना कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों के लिए वर्जित है। मोबाइल अंदर ले जाने के लिए आपके पास परमिशन होनी चाहिए, जो आपके गेट पास पर अप्रूवल मिलने के बाद अंकित की जाती है। आइए अब हम रिफाइनरी से निकास की प्रक्रिया को जानें। रिफाइनरी से बाहर निकलते वक्त कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारी को दोबारा उसी जांच प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है जो उसने प्रवेश के समय की थी। इसके बाद कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारी अपना सामान बैगेज स्कैनर में रखता है और डोर फ्रेम मेटल डिटेक्टर से गुजरकर अपने सामान को मशीन की दूसरी ओर से प्राप्त कर लेता है। इस जांच के दौरान किसी भी कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारी के पास फैक्ट्री या प्लांट का कोई अनाधिकृत औजार या सामग्री नहीं होनी चाहिए। संदेह की स्थिति में किसी भी व्यक्ति की तलाशी ली जाएगी, जिसमें उसे सिक्योरिटी स्टाफ का पूरी तरह से सहयोग करना जरूरी है। आखिर में कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारी को कार्ड या बायोमेट्रिक या दोनों को पंच करना होता है, जिसके बाद टर्न स्टाइल घूमेगा और उन्हें बाहर जाने की अनुमति देगा। किसी कारणवश जल्दी जाने की स्थिति में
अर्ली गोइंग प्रक्रिया द्वारा गेट पर मंजूरी आनी जरूरी है। अब हम रिफाइनरी में वाहन के प्रवेश एवं निकास की प्रक्रिया को जानेंगे। यहाँ ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकॉग्निशन यानी ANPR सिस्टम मौजूद है। इस जांच प्रक्रिया में गाड़ी लेकर आने वाले व्यक्ति के पास गाड़ी और ड्राइवर दोनों का वैध गेट पास होना अनिवार्य है। गाड़ी में ड्राइवर के अलावा किसी अन्य व्यक्ति की उपस्थिति नहीं होनी चाहिए। सिक्योरिटी गार्ड गाड़ी की चेकिंग करेगा, जिसमें ड्राइवर को पूरी तरह से इस सुरक्षा जांच में सहयोग करना होगा। चेकिंग के बाद गार्ड सीटी बजाकर दूसरे गार्ड को बूम बैरियर को ऊपर उठाने का संकेत देगा। लेकिन अगर ड्राइवर इनमें से किसी भी जांच प्रक्रिया को नजरअंदाज करके जबरन घुसपैठ करने की कोशिश करता है तो इसे फोर्स्ड एंट्री माना जाएगा। रिफाइनरी में एक्सेस कंट्रोल प्रणाली का पालन बहुत आवश्यक है। एक्सेस कंट्रोल प्लांट या बिल्डिंग गेट से किसी भी अनाधिकृत या अवांछित प्रवेश को रोकने में मदद करता है। आपको जिस क्षेत्र के लिए एक्सेस दिया गया है सिर्फ उसी स्थान पर आप जा सकते हैं। किसी दूसरे व्यक्ति का कार्ड पंच करके अनाधिकृत प्रवेश करने को एक दंडनीय अपराध माना जाएगा। प्रवेश करने के बाद द्वार को खुला ना छोड़े। आपके कार्ड पर केवल आपको ही प्रवेश मिलेगा। एक गेट पास पर दो लोगों का एक साथ अंदर प्रवेश करना कंपनी नियमों के अधीन दंडनीय अपराध है। ये सुनिश्चित करें कि आपके जाने के बाद द्वार बंद हो चुका हो। प्लांट में प्रवेश से पहले गेट पर अपना मोबाइल फोन जमा कराएं, क्योंकि प्लांट के भीतर मोबाइल ले जाने की अनुमति नहीं है। प्रत्येक स्थान पर एक्सेस पंच करना जरूरी है, जिससे आपातकालीन स्थिति में परिसर में मौजूद व्यक्तियों की सुरक्षित निकास को सुनिश्चित किया जा सके। रिफाइनरी में सुरक्षा अधिकारियों द्वारा सुरक्षा गश्त। रिफाइनरी के कर्मचारियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए हर क्षेत्र में सुरक्षा वाहन गश्त लगाती है। अगर कोई सुरक्षा वाहन आपके पास आकर रुकता है और कोई अधिकारी आपसे गेट पास दिखाने एवं आपकी तलाशी लेने का निवेदन करता है तो उनका सहयोग करना जरूरी है। सुरक्षा कर्मी गश्त के दौरान ब्रीथ एनालाइजर का उपयोग करके नशा संबंधी जांच कर सकते हैं। इसके अलावा सुरक्षा वाहन द्वारा रैंडम चेकिंग यानी औचक जांच भी की जा सकती है। सुरक्षा नियंत्रण कक्ष में 24/7 CCTV कैमरों से रिफाइनरी के विभिन्न इलाकों की निगरानी की जाती है। रिफाइनरी के अंदर प्रशिक्षित डॉग स्क्वाड का भी सुरक्षा प्रणाली में उपयोग किया जाता है। अत्याधुनिक ड्रोन का सुरक्षा प्रणाली में ऊंचाई से निगरानी रखने के लिए उपयोग किया जाता है। मुख्य प्रवेश द्वार पर सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स द्वारा एंटी टेररिस्ट गतिविधियों पर ध्यान रखा जाता है। रिफाइनरी की सुरक्षा में स्टेट रिजर्व पुलिस फोर्स कानून व्यवस्था को सुनिश्चित करने में मदद करती है। सिक्योरिटी कंट्रोल रूम जो रिफाइनरी के मुख्य प्लांट एरिया के पास स्थित है और 24/7 कार्यरत है, यहाँ पर कोई आपातकालीन परिस्थिति या कोई जरूरी सूचना जैसे मारपीट, चोरी, लावारिस वस्तु, धमकी इत्यादि जानकारी दे सकते हैं। हर गेट पास के पीछे की तरफ सिक्योरिटी कंट्रोल रूम का नंबर लिखा होता है। इन जांच प्रक्रियाओं के जरिए नयारा एनर्जी रिफाइनरी के अंदर आने जाने वाले सभी विजिटर्स एवं कॉन्ट्रैक्ट पर काम करने वाले कर्मचारियों की सुरक्षा और कार्य के दौरान उनके सुखद अनुभव को सुनिश्चित करता है। नयारा एनर्जी सुरक्षा दस्ता सभी की सुरक्षा के लिए कर्तव्यबद्ध है।